बात करें लाहौर 1947 फिल्म की कहानी की, तो फिल्म में एक बार आमिर खान पाकिस्तान जाएंगे, जहां वो एक मुस्लिम परिवार की खोजबीन पर रहेंगे। फिल्म की कहानी का मुख्य आधार लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार के बारे में होगा, जो बंटवारे के बाद 5 मिनट्स लेटर इंडियन सिनेमा 2024 में तूफान लाने के लिए तैयार है। साल की शुरुआत में ही हनुमान, फाइटर जैसी कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन अब से लेकर दिसंबर के महीने तक टोटल 56 इनसे भी बड़ी फिल्में रिलीज होनी बाकी हैं। इन फिल्मों का जब से ऐलान हुआ है, तभी से पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये सारी फिल्में बड़े बजट वाली फिल्में हैं, जिनकी रिलीज डेट, फिल्म की स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसी ही और नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 56 पर है बेबी जॉन। जी हाँ, 2023 में जहाँ एटली कुमार ने शाहरुख खान के साथ जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म करी, वहीं इस साल वरुण धवन के साथ 2024 की सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म लेकर आने वाले हैं। इस फिल्म में वरुण धवन का अलग ही अंदाज देखने को मिलने वाला है। फिल्म में वामिका गब्बी और कीर्ति सुरेश भी नजर आएंगी, वहीं राजपाल यादव और जैकी श्रॉफ का भी अहम रोल रहने वाला है। आप सबको बता दूं, विजय थलापति की फिल्म थेरी का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, जिसे 31 मई को रिलीज किया जाएगा। नंबर 55 पर है सितारे जमीन पर। जी हाँ, आमिर खान की ये अपकमिंग फिल्म है, जिससे आमिर खान बतौर एक्टर कमबैक करेंगे। 2007 में आई तारे जमीन पर फिल्म से मिलती जुलती ये फिल्म रहने वाली है। इस फिल्म में 9 बच्चों की कहानी दिखाई जाएगी, जिन्हें कई सारे इश्यूज होते हैं। आपको बता दूं, सितारे जमीन फिल्म स्पेनिश फिल्म कैंपियंस का हिंदी रीमेक रहने वाली है, जिसे इसी साल क्रिसमस के आसपास रिलीज किया जाने वाला है। वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहे। नंबर 54 पर है आशिकी 3। जी हाँ, आशिकी 3 एक अपकमिंग रोमांस ड्रामा फिल्म है, जो साल 2013 में रिलीज हुई आशिकी 2 का सीक्वल है। फिल्म की स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन और एनिमल फिल्म से फेमस हुई तृप्ति डिमरी नजर आने वाली है। भूषण कुमार और मुकेश भट्ट इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आशिकी 3 के अलावा कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 भी इसी साल रिलीज होने वाली है। नंबर 53 पर है शूट आउट एट बैकुला। जी हाँ, शूट आउट सीरीज की ये तीसरी फिल्म है, जिसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। फिल्म में संजय दत्त, जॉन अब्राहम, सनी देओल, बॉबी देओल, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन और सैफ अली खान, ये सभी एक साथ एक्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड होगी, जिसे संजय गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं। साल की शुरुआत में ये शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा। नंबर 52 पर है गुलाब जामुन। जी हाँ, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इस फिल्म के जरिए एक साथ नजर आएंगे। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसे 2018 में अनाउंस किया गया था और 2024 में इसे फ्लोर पर लाया गया है। नंबर 51 पर है सीता द इनक्रेनेशन। जी हाँ, कंगना रनौत इस फिल्म के जरिए पौराणिक चरित्र को चित्रित करने की तैयारी में है। कंगना रनौत इसमें सीता का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में पुराणों और वेदों का उल्लेख किया जाएगा। एसएस राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म की कहानी को लिखा है। बाहुबली और त्रिपुराल जैसी सुपरहिट फिल्में भी विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी हैं। ये हमें उसमें प्राप्त हुई, इसलिए हम अपनी पुत्री। नंबर 50 पर है लव एंड वॉर। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की ये फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ नजर आने वाले हैं। ये तीनों स्टार क्रिसमस से पहले और कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं करेंगे। इस फिल्म को पूरा टाइम दिया जा रहा है। रामलीला के जैसी ही इस फिल्म की कहानी रहने वाली है। नंबर 49 पर है देवा। जी हाँ, शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े इस फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में रहेंगे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसे 11 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा।
नंबर 48 पर है JGM यानी जनगण मन। एक्शन ड्रामे से भरपूर इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और पूजा हेगड़े एक साथ नजर आएंगे। पूरी जगन्नाथ इस फिल्म को बना रहे हैं। इसकी रिलीज डेट फिलहाल 3 नवंबर तय की गई है। इंडियंस आर फाइटर्स, इंडियंस कैन रूल दिस वर्ल्ड, जनगण मन। नंबर 47 पर है स्त्री 2। जी हाँ, श्रद्धा कपूर की ये अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें इस बार भेड़िया फेम वरुण धवन का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। इसमें एक चुड़ैल की कहानी बताई जाएगी जो आधी रात को अकेले रहने वाले लोगों को पकड़ लेती है। अमर कौशिक इसके डायरेक्टर हैं। 30 अगस्त इसकी रिलीज डेट है। नंबर 46 पर है काकुड़ा। रितेश देशमुख और सोनाक्षी सिन्हा की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी कहानी एक गांव में एक अजीब श्राप के बारे में है। 13 दिसंबर को ये फिल्म हॉट स्टार पर रिलीज होने वाली है। नंबर 45 पर है भूल भुलैया 3। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इसमें पुरानी मंजुलिका यानी विद्या बालन की वापसी हो गई है। लीड हीरो कार्तिक आर्यन ही रहेंगे। इसी साल दिवाली पर यह फिल्म रिलीज की जाएगी। नंबर 44 पर है द इंटर्न का हिंदी रीमेक। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की ये अपकमिंग फिल्म है जो इंग्लिश फिल्म द इंटर्न का हिंदी रीमेक रहेगी जिसे इसी साल दिसंबर में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 43 पर है वेलकम 3। जी हाँ, अक्षय कुमार और रवीना टंडन की ऑन स्क्रीन जोड़ी इस फिल्म के जरिए फिर से देखने को मिलने वाली है। इस साल की ये ग्रैंड फिल्म होगी जिसे 20 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। इस बार इस फिल्म में संजय दत्त, अरशद वारसी और सुनील शेट्टी भी नजर आने वाले हैं। नंबर 42 पर है द बुल। जी हाँ, सलमान खान की इस फिल्म में हाई ऑक्टेन थ्रिलर एक्शन देखने को मिलने वाला है। करण जौहर की इस फिल्म का टाइटल अभी बदला जा सकता है। ये फिल्म एक असल जिंदगी की कहानी पर आधारित होगी जिसमें सलमान खान एक पैरामिलिट्री अफसर की भूमिका निभाएंगे। फिल्म में मालदीव में हुए आतंकवादी हमलों की दर्दनाक घटनाओं को दर्शाया जाएगा। इसे 2025 के ईद पर रिलीज की संभावना है, हालांकि ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तक तय नहीं हुई है। नंबर 41 पर है छावा। जी हाँ, विकी कौशल और रश्मिका मंडाना की ये अपकमिंग फिल्म है। फिल्म की कहानी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है जिसे 6 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 40 पर है पुष्पा 2। इस फिल्म का पब्लिक को बेसब्री से इंतजार है जिसे ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर का टैग मिल चुका है। फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा कि क्यों गांव वालों के मसीहा पुष्पा को पुलिस ने जेल में डाला और फिर उस पर गोलियां बरसा दी। ऐसे में हर कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा करेगा। पुष्पा के लिए चारों तरफ दंगे होते नजर आएंगे। 500 करोड़ के बड़े बजट वाली इस फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। अब रोल पुष्पा का। नंबर 39 पर है कल्कि 2898 AD। जी हाँ, प्रभास की पहली साइंस फिक्शन मूवी जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये फिल्म पौराणिक कथाओं से संबंध रखती है। ये एक ऐसी भविष्य की कहानी है जहाँ पानी जैसी बेरंग चीज में भी लोगों ने भेद करना सीख लिया है। इस फिल्म का नाम कल्कि इसलिए है क्योंकि ये विष्णु का अंतिम अवतार है। 9 मई इस फिल्म की रिलीज डेट है। नंबर 38 पर है इमरजेंसी। जी हाँ, कंगना रनौत इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं। कंगना रनौत के अलावा सुरेश तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी का रोल निभाएंगे। फिल्म में 1975 के समय भारत में लगी इमरजेंसी के माहौल को दिखाया जाएगा। 14 जून इसकी रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। इंदिरा इज इंडिया।
नंबर 37 पर है सिंघम अगेन। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ से अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। फिल्म में इस बार दीपिका पादुकोण भी लेडी सिंघम बनकर एक्शन करते हुए दिखेंगी। फिल्म के क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह भी एक्शन करते नजर आएंगे। फिलहाल 15 अगस्त इसकी रिलीज डेट है, जिसे बढ़ाकर दिवाली तक किया जा सकता है। नंबर 36 पर है कल्पना चावला की बायोपिक। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा इसमें कल्पना चावला का रोल निभा रही है। 29 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। नंबर 35 पर है जिगरा। जी हाँ, करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म की कहानी एक भाई और बहन के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। आलिया भट्ट की ये फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 34 पर है चंदू चैंपियन। जी हाँ, कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में कैटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर, विजय राज भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी भारतीय सेना के जवान मुरलीकांत पेटकर की असल जिंदगी पर बेस्ड है, जिसे 14 जून को रिलीज किया जाएगा। नंबर 33 पर है चक द एक्सप्रेस। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान झूलन गोस्वामी की ये बायोपिक है, जिसमें अनुष्का शर्मा नजर आएंगी। नेटफ्लिक्स पर इसे 13 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। अपना पहचान भी बना लेगा। नंबर 32 पर है गोट, यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जी हाँ, विजय थलपति की ये अपकमिंग फिल्म है, जिसमें विजय थलपति का डबल रोल रहने वाला है। ये फिल्म टाइम ट्रेवल पर आधारित रहेगी, जिसे 31 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। नंबर 31 पर है स्क्रू ढीला। टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी, जिसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। इस फिल्म की रिलीज डेट तय होना अभी बाकी है। नंबर 30 पर है खेल खेल में। जी हाँ, अक्षय कुमार और फरदीन खान की जोड़ी इस फिल्म में एक बार फिर से हमें देखने को मिलने वाली है। वाणी कपूर और तापसी पन्नू लीड एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट भी अभी तय होना बाकी है। कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। नंबर 29 पर है 1722। जी हाँ, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना की ये अपकमिंग फिल्म है, जिसे अनीस बज्मी बना रहे हैं। जून के महीने में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। नंबर 28 पर है श्रीदेवी बंगलो। इस फिल्म में प्रिया प्रकाश वॉरियर श्रीदेवी का रोल निभा रही हैं। फिल्म में अरबाज खान भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। 30 नवंबर इसकी रिलीज डेट फाइनल है। नंबर 27 पर है तेरे इश्क में। जी हाँ, धनुष की फिल्म रांझणा का ये सीक्वल है, जिसमें इस बार धनुष शंकर बनकर एक्शन करते दिखेंगे। इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। नंबर 26 पर है स्काई फोर्स। अक्षय कुमार की ये फिल्म 1965 के भारत पाकिस्तान वायु युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पहले और सबसे घातक हवाई हमले को इस फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा। 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। नंबर 25 पर है स्प्रिट। एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा अब स्प्रिट रिलीज करने वाले हैं, जिसके लीड हीरो प्रभास हैं। अगस्त तक इस फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा। नंबर 24 पर है मोगुल। जी हाँ, आमिर खान की ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है। ये गुलशन कुमार की बायोपिक रहने वाली है, जिसे 25 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 23 पर है फतेह। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस की ये अपकमिंग फिल्म है, जो साइबर क्राइम पर आधारित होगी। इस फिल्म की कहानी वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसे 27 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 22 पर है कांतारा 2। जी हाँ,
अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर रखा है। इसके दूसरे पार्ट की कहानी पंजुरुली के देवता पर बेस्ड रहेगी। इस फिल्म की रिलीज डेट अभी फाइनल होना बाकी है। नंबर 21 पर है मास्टर ब्लास्टर। इस फिल्म के जरिए संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ एक साथ नजर आने वाले हैं। ये एक कॉमेडी से भरपूर एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। फिरोज नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल इसकी रिलीज डेट 24 अक्टूबर तय की हुई है। नंबर 20 पर है वेदा। जी हाँ, जॉन अब्राहम की ये फिल्म समाज की वास्तविकता पर आधारित है। इस फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और इमोशन का अनोखा मिश्रण देखने को मिलने वाला है। निखिल आडवाणी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है। कि तू इस जन्म में चलेगा, लेकिन दर्द अगले जन्म। नंबर 19 पर है वेटेयन। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इसी साल इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। नंबर 18 पर है सफर। जी हाँ, सनी देओल की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सलमान खान का भी एक कैमियो रोल रहने वाला है। फिल्म की कहानी सनी देओल और एक चाइल्ड आर्टिस्ट की अलग अलग मुश्किलों से भरे सफर पर बेस्ड रहने वाली है। नवंबर के महीने में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। नंबर 17 पर है मार्टिन। जी हाँ, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर ध्रुव सरजा की ये फिल्म है जिसमें ध्रुव सरजा वन मैन आर्मी बनकर पाकिस्तानियों को बखूबी मजा चखाते नजर आएगा। इस फिल्म में दमदार डायलॉग्स के साथ साथ एक्शन सीक्वेंस भी खतरनाक रखे गए हैं। मार्च के महीने में इसका ट्रेलर और अप्रैल के महीने में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। नंबर 16 पर है मिस्टर एंड मिसेज माही। राजकुमार राव और जानवी कपूर की ये फिल्म पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो 19 अप्रैल को रिलीज होने। और ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच से निकली गेंद सीधे स्टैंड्स में, कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन। नंबर 15 पर है थंगालन। जी हाँ, विक्रम की इस फिल्म की कहानी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कोलार गोल्ड फील्ड्स की एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। कोलार गोल्ड फैक्ट्री कर्नाटक में है। कहानी उन लोगों पर केंद्रित है जो ब्रिटिश शासन के तहत केजीएफ में काम करते थे। अप्रैल इसके रिलीज का संभावित महीना है। नंबर 14 पर है इंडियन 2। जी हाँ, 1996 में इसका पहला पार्ट आया था, उसी का ये सीक्वल है जिसमें कमल हसन एक बूढ़े स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला करता है। लीड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल नजर आएंगी। इसके रिलीज 11 अप्रैल। नंबर 13 पर है फैमिली स्टार। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर नजर आ रही हैं। इस फिल्म की कहानी लव स्टोरी और फैमिली ड्रामे पर बेस्ड रहने वाली है जो 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है। नंबर 12 पर है कंगुआ। जी हाँ, साउथ सिंगम सूर्या की ये अपकमिंग फिल्म है जिसमें बॉबी देओल भी नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट 11 अप्रैल है। इस फिल्म को एक साथ टोटल 38 भाषाओं में रिलीज किया जाना है। क्या बात है। नंबर 11 पर है देवरा पार्ट 1। जी हाँ, जूनियर एनटीआर की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म रहेगी जिसमें जानवी कपूर और सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। नंबर 10 पर है ए वतन मेरे वतन। सारा अली खान इसमें लीड एक्ट्रेस है। ये एक देशभक्ति वाली फिल्म है जिसमें सारा अली खान अंग्रेजों से लड़ती नजर आने वाली है। 21 मार्च को इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा। नंबर 9 पर है बड़े मियां छोटे मियां। जी हाँ, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस जोड़ी को देखने के लिए पब्लिक इंतजार कर रही है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन वाली ये फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली है। Let the beat drop. नंबर 8 पर है सरफरोश 2। 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश का ये सीक्वल है जो सीआरपीएफ कर्मियों को समर्पित रहेगा, जिसे 10 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 7 पर है
पूजा मेरी जान। हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली है। नंबर 6 पर है शेर सिंह राणा। विद्युत जामवाल की ये बायोग्राफिकल फिल्म है। शेर सिंह राणा की ये बायोपिक होगी जिसे दिसंबर के महीने में ही रिलीज किया जाएगा। नंबर 5 पर है लाहौर 1947। जी हाँ, सनी देओल की ये धमाकेदार अपकमिंग फिल्म है जिसे आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में आमिर खान का भी एक काफ़ी लंबा कैमियो रोल रहने वाला है। बात करें लाहौर 1947 फिल्म की कहानी की, तो फिल्म में एक बार आमिर खान पाकिस्तान जाएंगे जहां वो एक मुस्लिम परिवार की खोजबीन पर रहेंगे। फिल्म की कहानी का मुख्य आधार लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार के बारे में होगा जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला जाता है। नंबर 4 पर है छोरी 2। जी हाँ, नुसरत भरूचा की ये अपकमिंग फिल्म है जो छोरी फिल्म का सीक्वल है, जिसे दिसंबर के महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 पर है डेडपुल 3। जी हाँ, ये एक सुपर हीरो वाली कॉमेडी फिल्म है। इस सीरीज को इंडिया में बहुत पसंद किया गया है, जिसे 26 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नंबर 2 पर है वेनम 3। टॉम हार्डी की इस फिल्म की कहानी काफ़ी अलग रहेगी। इनके अंदर एक परजीवी सिम्बियोंट घुस जाता है, उसके बाद उसमें सुपर पावर्स का जन्म होता है। 8 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। नंबर 1 पर है रेड 2। जी हाँ, अजय देवगन की फिल्म रेड का ये सीक्वल है। रितेश देशमुख इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। 15 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो भाई, टोटल 56 फिल्में हो चुकी हैं जो अप्रैल से लेकर दिसंबर के महीने तक रिलीज होंगी, यानी कि ये सारी की सारी फिल्में 2024 में ही रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों में से आप सबसे पहले कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।